उत्तराखंड में नशे का काला कारोबार अब अपनी जड़ें फैला रहा है। बताने कि दूसरे राज्यों के तस्कर अब देवभूमि में अपना नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। अब इसी काले कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन और महकमा एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रदेश में नशे का काला कारोबार कर रहे अपराधियों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। वहीं एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एएनटीएफ ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नशा सप्लाई करने वाले दो ड्रग डीलर को पकड़ा है। वहीं आरोपी से 1 किलो 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत 1 करोड़ तक बताई जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो राज्य में जो नशे की समस्या है, इसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से जो नशा तस्कर हैं इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इसमें एसटीएफ के अंडर भी स्टेट लेवल एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें हमारी दो टीमें रहती हैं, गढ़वाल में और कुमाऊं में। दोनों टीमों को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जो हमारी कुमाऊं की टीम है एएनटीएफ की, उनके द्वारा दो बरेली के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। और एक बहुत बड़ी रिकवरी है पिछले कुछ समय में ये, और इनसे पूछताछ की गई है और जो आगे लिंक्स भी निकल कर आए हैं कि किससे लेकर आ रहे थे और आगे किसको बेचने जा रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन